बेटा जब बर्गर खाया ना, ये ऊपर से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तक पहुंचा है, यानी इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी शामिल हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी अभी 26 अगस्त को द हिंदू में एक न्यूज प्रकाशित हुई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। इसके दो कारण। पहली बात, जैसा कि आपको पता है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या खाद्य आपूर्ति को भी बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत में एक बड़ा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसको हम अर्थव्यवस्था से भी कैसे जोड़ पाएंगे इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम अगर जाने कि किस एक एडिटोरियल के तहत ये खबर आई थी, तो 26 अगस्त को अट्रैक्टिंग ग्लोबल एंकर फर्म्स इन फूड प्रोसेसिंग या एडिटोरियल छपा, और फिर फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र खबरों में एक बार फिर से आ गया। अब यहां पर जब हम खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। कृषि उत्पादन से लेकर यानी खेतों से लेकर जो फूड आपकी टेबल तक पहुंच रहा है, इसके बीच में जितनी भी कैरी एंड फॉरवर्ड चेन है वो सारी की सारी फूड प्रोसेसिंग में आती है। तो जैसा कि आपने अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र देखे हैं, अगर उनको हम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में समझना चाहें, तो अगर हम बात करें कि प्राथमिक प्रसंस्करण क्या होता है, तो अगर हम खेत में किसी भी प्रकार के यानी कृषि के द्वारा किसी भी प्रकार की उपज को उपजा रहे हैं, ठीक है, फिर उसकी बुनियादी सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है किसी भी खाद्य पदार्थ की। यानी हमने पैकेजिंग कर दी, ग्रेडिंग कर दी, उसको पैक कर दिया और फिर मार्केट में ले गए। अब सोच के देखिए कि ठीक है, हमने गेहूं उगाया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हुई, गेहूं बोरियों में भरकर मंडियों तक लाया गया, उसके बाद मंडियों से ये गेहूं हमें प्राप्त होता है, और जो द्वितीयक फिर प्रोसेसिंग की बात करें यानी सेकेंडरी प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए, तो अगर उस गेहूं को हम पीस कर आटा बना दें तो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक। इसको हम कहते हैं कि हमने द्वितीयक क्षेत्र में इसका प्रोसेस किया, यानी सेकेंडरी प्रोसेसिंग की है। और बच्चों, तृतीयक प्रोसेसिंग सर्विस सेक्टर में जाएगी, यानी अगर उससे पकी हुई रोटी आपको मिल जाए, तो बेटा जब बर्गर खाया ना, ये ऊपर से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तक पहुंचा है, यानी इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी शामिल हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि फूड प्रोसेसिंग डायरेक्टली इकोनॉमी से भी रिलेट कर जाती है। अब अगर देखा जाए तो इस एक आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य कि खाद्य पदार्थों में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो परिरक्षण की आती है। भारत एक बड़ा बाजार भी बनेगा और भारत एक बड़ा निर्यातक भी बनेगा खाद्य उत्पादों का आने वाले समय में। मिल्क प्रोडक्शन आप देख रहे हैं भारत का ऑलरेडी बहुत ही उच्चतम स्तर पर, तो ऐसे में परिरक्षण यानी खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, जो पैक्ड फूड है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, वो प्रिजर्व हो सके, इस बात पर ध्यान देना। अगर दूसरी तरफ चले तो दूसरा बिंदु जो हमारे पास आता है वो आती है सुरक्षा, यानी इस खाद्य पदार्थ को सेफ्टी कैसे प्रोवाइड हो, यानी हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हैं, जो इस खाद्य पदार्थ को खराब कर रहे हैं, उससे इस खाद्य पदार्थ को कैसे बचाया जा सके। और अगर हम तीसरे बिंदु पर चले तो फिर हम परिरक्षण कर लें या सुरक्षा उस खाद्य पदार्थ को दे लें, जो तीसरा बिंदु है क्वालिटी इनहेंसमेंट, गुणवत्ता में वृद्धि किए बिना बच्चा कोई भी उस खाद्य पदार्थ को खरीदेगा नहीं। आप भी क्वालिटी वाली जगह पे ही खाना खाना पसंद करते हो, बाकी क्षेत्रों में आप भले ही क्वालिटी से थोड़ा बहुत कपड़े में समझौता, टेक्सटाइल में या कपड़ों में समझौता कर लो, फैशन में, परंतु खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य का मामला है, सीधे हेल्थ से रिलेटेड है। इसे क्वालिटी यानी उसका स्वाद, बनावट, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो, टेस्ट में भी अच्छा हो, ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ेगी, ठीक। इसके बाद ऐसे खाद्य पदार्थ बाजार में ज्यादा जरूरी है जो आसानी से प्राप्त हो और जल्दी, रेडी टू प्रिपेयर एंड रेडी टू ईट, ठीक। मैं 2 मिनट नूडल चाहिए, तुरंत बनाया और खा गए, इस तरीके के खाद्य पदार्थों की देखिए आप
आउटपुट कैपेसिटी भी ज्यादा, ये बिकते भी ज्यादा है क्योंकि आसान है बनाने में, टेस्टी है, न्यूट्रिशन लेवल भी है, भूख भी मिट जाती है। ठीक, अगर इसके फर्दर मूव करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कृषि उत्पाद है, जैसे जैसे हम उनको फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करेंगे, हमारे कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ेगा। ठीक, और हमें फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना क्यों है? अरे जनसंख्या बढ़ रही है बच्चों, जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती जनसांख्यिकीय। ठीक, हमें फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए कहेगी क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से बनी, मांग बढ़ेगी, सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल रूल है, इसलिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को अपलिफ्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तो डिजिटलीकरण हुआ है, इससे हो क्या रहा है कि आपके फोन से लेकर प्लेट में सीधे खाना आ रहा है, आपने निकाला फोन, जोमैटो से ऑर्डर किया, स्विगी से ऑर्डर किया और ये सीधे आपकी प्लेट में पहुंचा। तो ये जो फोन टू प्लेट का कॉन्सेप्ट है, इसको भी इनहेंस कर रहे हैं, यानी डिजिटलीकरण कहीं ना कहीं इस फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एक बदलाव लेकर आ रहा है। ठीक, और अगर सरकारी नीतियों से इसे जोड़ना चाहें तो आपको पता है कि सीधे सीधे डिजिटल इंडिया मुहिम इसमें आपको शामिल होती हुई दिखाई देती है। तो कल को अगर प्रश्न बने कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में या फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में डिजिटल इंडिया किस प्रकार से सहयोग कर रहा है या फिर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये द हिंदू का एडिटोरियल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बताया क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हमेशा परेशान रहते हैं कि सर कैसे पढ़ना है, तो इतना मुश्किल नहीं है, आपको की पॉइंट्स समझने होते हैं और उन की पॉइंट्स पे वर्कआउट करना होता है। अगर आप उस एडिटोरियल की मूल भावना को समझ पा रहे हैं, आप खाद्य प्रसंस्करण को समझ पा रहे हैं, तो आप इसकी चुनौतियां, इसमें समाधान और ये किस प्रकार से किस योजना से प्रभावित हो रहा है या सरकार इसके लिए क्या योजनाएं चला रही है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको खाद्य प्रसंस्करण एडिटोरियल था द हिंदू का, इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी एडिटोरियल पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, इजी वे है एडिटोरियल। और छोटे से एक वीडियो में ही मैंने आपको क्या खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति भारत में है, डिजिटलीकरण कैसे कैसे ये अर्थव्यवस्था से कनेक्ट कर रहा है, सारी चीजें एक छोटे से वीडियो में आपको बताई। अगर 150 वर्ड्स में इसका प्रश्न आता है तो बड़ी आसानी से आप फिर इसको निम्न बिंदुओं के तहत लिख सकते हैं। अगर आप नूतनसाइज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है उसको जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें, कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम अपनी कक्षाओं को और अपने क्वालिटी यानी गुणवत्ता संवर्धन में लगातार वृद्धि कर सकें। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, प्रभु से मेरी यही कामना है, थैंक यू।